जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही होंगे बहाल। यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी में रघुवर सरकार करेगी बम्पर नियुक्तियाँ। यहाँ पर साफ साफ देख सकते आज के पेपर आप अलाउट पे किया गया है, ये ध्यान से देख ले। अच्छी खुशखबरी की बात है जो कि इतनी सारी वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है जो कि झारखंड SSC के द्वारा ही यहाँ पर निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते जो कि दिया रघुवर सरकार इसी माह 42,000 से ज़्यादा नियुक्तियों को अंजाम देगी। इसमें लगभग 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही शामिल है। यहाँ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले, सारी प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। दास ने कहा कि नक्सलवाद का असली कारण बेरोजगारी और विकास का नहीं होना। उग्रवादी संगठन 3,000 रुपये हर माह देकर युवकों को बंदूक थमा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली चालू महीने में होगी। यहाँ पर ऐसे 17,000 सिपाहियों को भी बहाली होगी, ठीक है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि और भी कई विभागों में कर्मचारियों की कमी है, सभी विभागों से सूची मांगी गई। इसके बाद रिक्त पदों के लिए बहाली निकाली जाएगी। बिना मानव संसाधन के विकास संभव नहीं है। कर्मियों को कमी की वजह से भी काम में दिक्कत आ रही है। कहा कि बदलाव के लिए वक्त चाहिए, उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो गैतिक चोरी की बात है फ्रेंड्स, कि 25,000 शिक्षक और 17,000 कांस्टेबल की भर्ती निकलेंगे जो कि सिपाही की भर्ती जनवरी में झारखंड सरकार द्वारा निकाली जाएगी, झारखंड SSC के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं CNT SPT से छेड़छाड़ नहीं। रघुवर दास ने स्पष्ट किया कि पुराने भूमि कानूनों में छेड़छाड़ का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार CNT SPT एक्ट में कोई बदलाव नहीं करेगी। आदिवासी एवं स्थानीय लोगों के हित में बनाए गए किसी भी कानून में छेड़छाड़ नहीं करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया गया है। और यहाँ पर जमशेदपुर में बोले CM, रोजगार से ख़त्म होगा नक्सलवाद, बदलाव के लिए चाहिए वक्त, मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, रघुवर दास ने कहा। तो एक अच्छी खबर की बात है जो कि झारखंड में इतनी बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये खबर अच्छी लगे, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, जो कि 17,000 सिपाही शामिल होने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाएँ, ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा क्योंकि अब सभी एग्ज़ाम फटाफट लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ, जो कि 17,000 सिपाही होंगे बहाल, 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही होंगे बहाल, इसमें साफ साफ दे दिया गया है। और ये आज ही का पेपर आपका अलाउट किया गया है, ठीक है ना, आज ही का पेपर जो कि आज ही का पेपर में ये दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ जूम करके, 25,000 शिक्षक और 17,000 सिपाही होंगे बहाल झारखंड में फिर से, जो कि अभी IRB का पर चल रहा है। IRB का जैसे ही ख़त्म होता है रिजल्ट आ जाएगा इसी मंथ में IRB का, उसके बाद आपका इसमें झारखंड पुलिस की भर्ती 17,000 सिपाही होंगे बहाल, जो भी निकलेगा जैप निकलेगा झारखंड पुलिस निकलेगा वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन का तब अपडेट मैं आपको देते ही रहता हूँ हमेशा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत।